हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, एमएचसीईटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के डेट्स जो है गाइस आउट हो चुके हैं। एग्जाम जो है ये मार्च के महीने में होने वाली है। ऑफिशियल डेट्स आ चुके हैं। एग्जाम जो है 12th और 13th मार्च को होने वाली है। अब इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 मंथ्स है प्रेपरेशन करने के लिए, और इन 2 मंथ्स में हम कैसे प्रिपेयर करके महाराष्ट्र की टॉप लॉ कॉलेजेस दैट इज GLC और IELTS में जा सकते हैं। पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे गाइस कि क्या पेपर पैटर्न होता है, एग्जाम डेट्स तक हमें कैसे मेक श्योर करना है कि हम जो है हमारी पढ़ाई भी कंप्लीट कर दे विथ रिवीजन, प्लस हम लोग जो है उसका प्रैक्टिस भी करना जरूरी हो जाएगा, बिकॉज एग्जामिनेशन जो है ये बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है। क्या कट ऑफ होता है टॉप लॉ कॉलेज में जाने के लिए, और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है आपको पढ़ने हैं ताकि आप इन 2 महीनों की प्रिपरेशन में जो है महाराष्ट्र की टॉप लॉ कॉलेजेस जैसे कि GLC IELTS में पहुंच जाओ। तो अब गाइस, सबसे पहले पेपर पैटर्न जो है हम समझ लेते हैं कि आपका पूरा पेपर जो है 150 मार्क्स का आता है, और इसमें आपको टोटल 4 सेक्शंस आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेक्शन आपका लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का सेक्शन होता है, जिसमें आपको टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेकेंड सेक्शन आपका GK करंट अफेयर का सेक्शन होता है, जिसमें आपको टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थर्ड सेक्शन आपका होगा लॉजिकल रीजनिंग का, जिसमें से आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड फोर्थ आपका इंग्लिश का सेक्शन होता है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पूरा पेपर आपको टोटल 150 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अब पेपर आपको इंग्लिश या मराठी, आप जिस लैंग्वेज में देना चाहो उस लैंग्वेज में आप दे सकते हो, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। अब पेपर MCQ बेस्ड पेपर होगा। MCQ का मतलब है कि आपको एक क्वेश्चन जो है वो दिया जाएगा, उसके बाद उस क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शंस होंगे, और उनमें से कोई एक ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो आपको सिलेक्ट करना है। और एग्जाम जो है आपकी गाइस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी। कंप्यूटर बेस्ड का मतलब है कि आपको जो है कंप्यूटर पे बैठ के उस एंट्रेंस एग्जाम को देना है। अब क्या घर बैठे हम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दे सकते हैं? द आंसर इज नो। पहले जब आप अप्लाई करोगे एग्जाम के लिए, तो फिर उसके बाद कुछ दिनों पहले, एग्जाम के कुछ दिन पहले आपको हॉल टिकट इश्यू किया जाएगा, जहां पे आपको आपका सेंटर आएगा। उस सेंटर में जाके वहां पे कंप्यूटर पे आपको एग्जामिनेशन जो है वो देनी है। टोटल आपको 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन जो है आपका 1 मार्क कैरी करेगा, तो टोटल पेपर का वेटेज आपका हो गया 150 मार्क्स, और ये 150 मार्क्स इस तरीके से डिवाइडेड होंगे आपके। उसके बाद यहाँ पे द इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आपको 150 क्वेश्चंस जो है सिर्फ और सिर्फ 120 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। मतलब 150 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में सॉल्व करने हैं। मतलब आपके पास 1 मिनट से भी कम का समय है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब यही गाइस थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं कर पाते। बिकॉज अगर हम 3 ईयर्स की बात करें गाइस, तो 2023 में जो महाराष्ट्र लॉ सीटी एंट्रेंस एग्जाम हुई थी, उसमें टोटल 65,000 स्टूडेंट्स ने 3 ईयर LLB एग्जाम जो है वो अपियर की थी। अब जो टॉप लॉ कॉलेजेस है GLC IELTS जैसी, इनकी कॉलेजेस की सीट्स जो है बड़ी कम होती है, तो ये एग्जाम जो है हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम बन जाता है। कॉम्पिटिटिव इसलिए गाइस क्योंकि जो लोग एग्जाम के लिए अपियर कर रहे हैं वो ज्यादा है, और सीट्स जो है वो कम है। तो इसीलिए आपको मेक श्योर करना है कि आप इस एंट्रेंस एग्जाम में अपना जो टारगेट स्कोर जो है वो रखिए 130 प्लस, तब जाके आप जो है अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच पाओगे। बिकॉज एग्जाम कॉम्पिटिटिव है, लोग काफी टाइम से तैयारी करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एक अटेम्प्ट में अगर उनको उनका डिजायर्ड कॉलेज नहीं मिलता है तो दूसरा तीसरा अटेम्प्ट भी देते हैं। बट हमें मेक श्योर करना है कि हम हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इतना अच्छा स्कोर लेके आए कि हम हमारे जो ड्रीम कॉलेज है लॉ कॉलेज वहां पे पहुंच पाए। अब भले ही टाइम जो है यहाँ पे हमारे पास एक कंस्ट्रेंट है, बट ये प्रॉपर प्रैक्टिस से हम इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हैं। एग्जाम में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है मतलब कि आपका गलत आंसर जाने पे आपका कोई भी मार्क्स जो है वो डिडक्ट नहीं होगा, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो आपका जो स्कोर होगा गाइस, जो आपने टोटल करेक्ट आंसर्स मार्क किए हैं वही आपका स्कोर होगा।
एंड कोई एज लिमिट भी नहीं है, मतलब कि कोई भी एज का पर्सन जो है इस एग्जाम को दे सकता है। मतलब अगर आपका ग्रेजुएशन होके बहुत साल हो गए हैं, आपने जो है जॉब स्टार्ट कर दिया था और अब जाके आप अपनी करियर में लॉ डिग्री परस्यू करना चाहते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई भी अपर एज लिमिट आपको नहीं दी गई है। अब गाइस, प्रेपरेशन करने के लिए एज आई टोल्ड यू कॉम्पिटिशन टफ है, यही चीज जो है कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए बी एडू केयर आपकी हेल्प करेगा। बी एडू केयर एक नया कोर्स लॉन्च कर रहा है, बट उसके पहले अगर हम देखें गाइस, बी एडू केयर के पास लास्ट जो है 4 सालों से रिजल्ट्स ऐसे हैं कि हर साल ऑलमोस्ट 50+ बच्चे सिर्फ जीएलसी और आईएलएस में जाते हैं, और 100+ बच्चे महाराष्ट्र की टॉप 3 लॉ कॉलेजेस में जो है वो जाते हैं। तो ये 2023 के हमारे टॉप रैंकर्स हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे रैंकर्स हैं। हर साल जो है हमें सिलेक्शंस देखने को मिलते हैं, 1000+ बच्चे जो है महाराष्ट्र के टॉप लॉ कॉलेजेस में हैं जो बी एडू केयर से पास आउट किए हैं। अब इसकी प्रिपरेशन करने के लिए गाइज आप क्या कर सकते हो, बिकॉज अभी सिर्फ 2 ही मंथ्स बाकी है, तो आप बी एडू केयर का लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हो। आरंभ बैच जो है गाइज स्टार्ट हो रहा है, एंड बी एडू केयर स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इतनी अच्छी ऑफर लेके आया है जिससे स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा हेल्प जो है वो हो जाएगा। तो आप जो है आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपका जो फीस है वो सिर्फ है 5,999 टिल 2nd of January 2024। एक्चुअली मैं इसका कोर्स प्राइस जो है 9,999 था, बट सिर्फ 2 ही महीने बाकी है, एंड स्टूडेंट्स के बेनिफिट्स के लिए बी एडू केयर ये कोर्स लेके आया है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ जो है 5,999 का पेमेंट करना है। इसमें आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, आपके रेगुलर 7 to 9 AM ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स होंगे। लाइव लेक्चर्स 5-6 दिन जो है हर हफ्ते में होंगे। लाइव लेक्चर्स में टीचर्स जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको सिखाएंगे कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और टॉपिक्स जो है वो आपके डिस्कस होंगे। सारे टॉपिक्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इसमें हम डिस्कस करेंगे। एंड ये बिकॉज लाइव लेक्चर है, सपोजिंगली किसी कारण से आप वो लाइव लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए, या फिर अगर आपको रिविजन चाहिए तो आपको उस रिकॉर्डिंग का अनलिमिटेड एक्सेस भी मिल जाएगा जब तक आपकी एग्जाम खत्म नहीं होती। अब मान के चलिए एग्जाम डेट्स जो है आपकी आई है 12 मार्च से लेकर के 13 मार्च। अब अगर एग्जामिनेशन थोड़ी सी पोस्टपोन हो जाती है, 15-17 को जाती है, या बाद में एग्जाम होती है, तो जब तक आपकी एग्जाम नहीं होती तब तक आपके पास इन रिकॉर्डिंग का एक्सेस रहेगा। ये सारे रिकॉर्डिंग्स जो है गाइस आप अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो। ऐसा नहीं कि एक या दो बार आप अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो, आपके डाउट्स जो है टीचर्स लाइव क्लास में ही सॉल्व कर देंगे। साथ ही साथ आप वहां पे वॉइस से, मतलब आप अपने क्वेश्चंस को वॉइस के जरिए या तो चैट सपोर्ट के जरिए जो है वो पूछ सकते हो। लेक्चर इंग्लिश मोड में होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स होगा, ताकि स्टूडेंट्स को कंसेप्ट समझ में आए, बिकॉज ये एग्जामिनेशन जो है ये कंसेप्ट बेस्ड एग्जाम है। एंड हम लोग एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी होती है एंड क्या टिप्स आपको लगेंगी इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बिकॉज गाइज इतना कंपटीशन है, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप अपना पूरा पेपर समय के पहले कंप्लीट कर रहे हो, ताकि आप अपने पेपर को गो थ्रू भी कर पाओ। सारा गाइडेंस आपको एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड टीचर्स जो है वो देंगे। आपका बैच स्टार्ट हो रहा है 5th जनवरी को एंड एंड होगा 4th of March 2024 को। ये 2 मंथ्स का लाइव बैच होगा, यहाँ पे आप सेल्फ रिविजन भी कर पाओगे उन रिकॉर्डिंग से। साथ ही साथ हम आपको टॉपिक वाइज का ई बुक्स भी जो है वो दे देंगे, जो आपको इंग्लिश में होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट 300+ वोकैबुलरी वीडियोस भी आपके लिए प्रोवाइड किए जाएंगे, जहाँ पे आप अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, एंड बिकॉज इंग्लिश 50 मार्क्स का आता है, तो बच्चों का वोकैबुलरी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, इसीलिए 300+ वोकैब वीडियोस भी आपको इसी में मिल जाएंगे। और आपके साथ जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र लॉ सीईटी के ही स्टूडेंट्स होंगे, कोई भी तरीके का मिक्सिंग जो है गाइज नहीं होगा। काफी सारे लोग जो है ट्रेनिंग अगर आप सपोजिंगली किसी और एस्पिरेंट के साथ कर रहे हो जिसे सेम और सिमिलर पोर्शन है, बट सीईटी की प्रेपरेशन आपकी अलग हो जाएगी, बिकॉज ये महाराष्ट्र से सीईटी सेल कंडक्ट करता है और हर एक एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है वो अलग होता है। इसके साथ साथ आपको फ्री कोर्स वर्थ ₹900 भी जो है वो मिल जाएगा गाइस, जहां पे आपको जो है ब्रह्मास्त्र जो गाइडेंस लेक्चर है हमारा
साथ ही साथ उसके साथ एक मॉक वर्थ ₹500 आपके लिए अवेलेबल होगा, कैप कोर्स, मतलब आपका एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद फिर एडमिशन कैसे लेना है, क्या प्रोसीजर है, कैप कोर्स आपको मिलेगा, ई न्यूज मंथली हाईलाइटर आपको जो है वर्थ ₹200 मिल जाएंगे, एंड वीकली करंट अफेयर वीडियोस जो है इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, जहां पे आप अपना पोर्शन जो है हर हफ्ते जो करंट अफेयर्स है उनसे अपडेटेड रह सकते हो। ये सब कुछ जो है गाइस आपको सिर्फ ₹599 में मिल रहा है। अब मैम एग्जाम जो है यहाँ पे बहुत पास आ रही है, अब लेक्चर्स हमारे स्टार्ट होंगे फ्रॉम द डेट ऑफ 5th ऑफ जनवरी। उसके पहले हम क्या कर सकते हैं गाइस, उसके पहले जो है आप प्रेपरेशन आपकी रुकेगी नहीं, जैसे ही आप कोर्स के लिए अप्लाई कर देते हो आपको एक्सेस मिल जाएगा वोकैबुलरी वीडियोस का, आप वीकली करंट अफेयर वीडियोस देख पाओगे, आप मंथली ई न्यूज हाईलाइटर भी देख पाओगे, जहां पे आप अपना जीके और वोकैबुलरी पहले से ही स्ट्रांग कर दोगे, प्लस एक फ्री मॉक टेस्ट आप अपियर कर पाओगे, जहां पे आपको पूरा आइडिया आएगा कि पेपर कैसे होता है, क्या डिफिकल्टी लेवल होती है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्लस आप रेफर कर पाओगे सैंपल ऑफिशियल पेपर्स ऑफ MHCET लॉ के भी। तो अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप इस नंबर 8383818888 पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है गाइस, पे करना है आपको, लिंक जो है यहाँ पे ये अमाउंट आपको पे करना है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, एंड या तो आप ऐप के जरिए भी पे कर सकते हो या आप हमारी ब्रांचेस में विजिट कर सकते हो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको किसी भी तरीके का क्लियरेंस चाहिए तो हमारे ब्रांचेस जो है गाइस घाटकोपर में सिचुएटेड है, एंड घाटकोपर एक ब्रांच है, उसके अलावा डोंबिवली में है, एंड उसके अलावा दादर में हमारे ब्रांचेस है, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप इस नंबर 8383818888 पे कर सकते हो। तो ये सारी बेनिफिट्स आप जल्दी से उठा लीजिए। अब चलिए डिस्कस करते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे। अब गाइस इंग्लिश से, बिकॉज ये आपका 50 मार्क्स का वेटेज है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका ग्रामर के ऊपर जो पकड़ है बहुत अच्छी है, एंड साथ ही साथ आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी है। मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वोकैबुलरी और ग्रामर बेस्ड ही होते हैं, जैसे कि इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, स्पॉटिंग द एरर्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पैराजम्बल्ड, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपका जो सेक्शन आता है वो है लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का सेक्शन, बिकॉज हम एक लॉ एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो ये सेक्शन बाय डिफॉल्ट एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है आपके लिए बन जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आपको मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमारे देश का संविधान है ये, तो पूरा डिटेल में आपको जो 3 पिलर्स है डेमोक्रेसी के पता होना चाहिए कि हमारा देश का कानून का क्या बनता है, कहाँ बनता है, फिर उसे एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, और उसका प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशियल सिस्टम कैसे है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज एक्सेट्रा। इसका मैंने गाइज एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि लीगल रीजनिंग के लिए कैसे प्रैक्टिस करना है, आप उस वीडियो को डिटेल में विद टॉपिक्स, इंटरनल सब टॉपिक्स के साथ जो है आप उसे देख सकते हो। क्रिमिनल लॉज इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फैमिली लॉ इंपॉर्टेंट है, टॉर्ट्स इंपॉर्टेंट है, एंड कुछ लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका जीके और करंट अफेयर्स का सेक्शन। जीके करंट अफेयर्स एक ऐसा पार्ट है जो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स। स्टैटिक जीके में आपके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही होता है, इसीलिए ये वाला पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो लीगल में भी आता है गाइज और जीके में भी आता है। तो इंडियन पॉलिटी एंड मिसलेनियस के कुछ टॉपिक्स, इसका भी गाइज एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, उसको आप अच्छे से देखिए ताकि आपको आइडिया जो है वो मिलेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में क्या क्या पार्ट्स कवर करने हैं, तो आपको नेशनल जो इम्पोर्टेंस की चीजें हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए मणिपुर में वायलेंस हुआ इम्पोर्टेंट है, अगले साल इलेक्शंस आने वाले हैं इम्पोर्टेंट है एक्सेट्रा। कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जैसे कि रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, इसराइल पैलेस्टाइन का वॉर हो गया, इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। स्पोर्ट्स कैटेगरी विनर्स जो है कौन कौन थे, अगर इंडिया ने कोई स्पोर्ट होस्ट किया है तो इंपॉर्टेंट है एटसेट्रा। डिफेंस में हमारे लिए मिलिट्री फोर्सेस सारे इंपॉर्टेंट होंगे, अगर उनको रिलेटेड कोई न्यूज आ रही है कि कोई नया वेसल इंट्रोड्यूस हुआ है या किसी न्यू पर्सन को अपॉइंट किया गया है एटसेट्रा। अवार्ड्स की कैटेगरी इंपॉर्टेंट होगी,
इंटरनेशनल एज वेल एज नेशनल अवार्ड्स, लीगल न्यूज जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा कोई लैंडमार्क जजमेंट है, गवर्नमेंट स्कीम्स इंपॉर्टेंट होगी, एंड अपॉइंटमेंट जो देश में हो रहे हैं अलग अलग पोजिशंस पे, जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए CJI हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, इलेक्शन कमिश्नर्स हो गए, अपार्ट फ्रॉम दैट वाइस प्रेसिडेंट हो गए एटसेट्रा, चीफ मिनिस्टर्स हो गए, गवर्नर्स हो गए एटसेट्रा, हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। ये सब की प्रिपरेशन जो है गाइस, A to Z प्रिपरेशन में आपको बी एडुकेयर हेल्प करेगा, एंड वी आर डेफिनेटली श्योर जो टेक्निक्स आपको दी जाएगी, जैसे दूसरे स्टूडेंट्स जो है टॉप लॉ कॉलेजेस में जा रहे हैं, वैसे ही नेक्स्ट ईयर आप भी अपने ड्रीम कॉलेज में जल्दी होंगे। तो फटाफट जो है आपको कोर्स ज्वाइन कर लेना है, ताकि आप जो है अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच सको। GLC और ILS में आपको कंफ्यूजन होना चाहिए कि मैं कौन से कॉलेज में जाऊं, हम ऐसी प्रिपरेशन करके जाएंगे। लास्ट जो है आपका सेक्शन आ जाता है लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग का सेक्शन, जहाँ पे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे, अल्फाबेट टेस्ट हो गया, नंबर लेटर सीरीज हो गए, मिसिंग नंबर, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल्स हो गए, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स हो गए एटसेट्रा। तो गाइज ये सब की प्रेपरेशन जो है कैसे करनी है, पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है, इसके लिए एक फ्री मॉक टेस्ट है। फ्री मॉक टेस्ट को आपको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है, एंड आपको पता होना चाहिए कि आप क्या ड्रीम, आपका एम जो है क्या होना चाहिए। तो गाइज महाराष्ट्र की टॉप 10 लॉ कॉलेजेस फॉर 3 ईयर LLB जो है वो आपकी हो जाएंगी, GLC, ILS, KC, जितेंद्र चौहान, फिरोडिया लॉ कॉलेज, MKES लॉ कॉलेज, न्यू लॉ कॉलेज, डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज ऑफ लॉ, एडवोकेट बाला साहेब आपके कॉलेज ऑफ लॉ, एंड भारतीय विद्यापीठ न्यू लॉ कॉलेज विच इज इन कोल्हापुर। अगर इन कॉलेजेस को आप टारगेट कर रहे हो, आपका एम है कि आप एक अच्छे लॉ कॉलेज से पढ़ो, तो आपका टारगेट स्कोर 130 प्लस होना चाहिए एग्जाम स्कोर, और इसी के लिए फ्री मॉक टेस्ट अपियर करो, ताकि आपको डिटेल में आइडिया आएगा कि पेपर कैसे पूछा जाता है। एंड मेक श्योर करना है कि आप जो है टॉप लॉ कॉलेज में जाना चाहते हो, तो कंपटीशन टफ है, ऐसा ही रिजल्ट और इससे भी बेहतरीन रिजल्ट हमें लेके आना है, ताकि हम हमारे ड्रीम कॉलेज में जो है वो पहुंच सके। और इसीलिए BEDUCARE जो है आपको ऑफर कर रहा है क्लासरूम, लाइव लेक्चर्स एंड वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी। तो जल्दी गाइस कोर्सेज को ज्वाइन करिए, आप हमारे ब्रांचेस विजिट कर सकते हो। अगर आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन या कोई भी डाउट चाहिए, किसी भी तरीके का कोई भी क्वेरी है, घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर ब्रांचेस हैं हमारे, जहाँ पे आपको फ्री काउंसलिंग सेशन जो है दिया जाएगा, आपको एक्सपर्ट काउंसलर्स गाइड करेंगे कि कैसे क्या क्या चीजें आपको करनी है और एग्जाम क्या है, कैसे है एटसेट्रा। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट आता है, तो ऑनलाइन लेक्चर्स और रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगी एज आई टोल्ड यू। तो जल्दी आरंभ बैच को ज्वाइन करें, और किसी भी तरीके का डाउट आता है तो आप हमें इन कॉन्टैक्ट नंबर जो है यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। BEDUCARE एक एंट्रेंस एग्जाम स्पेशलिस्ट है, जो आपको क्लासरूम, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, बुक्स, ई बुक्स एंड टेस्ट पैक फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। तो फटाफट ऐप को डाउनलोड करिए एंड फटाफट आरंभ बैच को ज्वाइन करिए, एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर लॉ एस्पिरेंट्स एज वेल।